हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी व्याकरण में एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है पर्यायवाची झरोखा। तो चलिए मिलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें A4 साइज शीट लेना है और उस पर एक एनवलप ड्रॉ करना है इस तरह से, ओके। उसके बाद हम उस ड्राइंग के चारों कॉर्नर्स को सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। सो ये हमारे एनवलप का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम बाद में इसमें पेस्ट करेंगे, ओके। सो अभी हम सबसे पहले इसका साइड वन प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सो आप चारों कॉर्नर्स कट करके इसे रेडी कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे एनवलप का शेप रेडी हो गया है। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं वहां से आप इसको हल्का फोल्ड कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और पेपर कटर की हेल्प से इन्हें कट करके स्टेंसिल तैयार करेंगे। जब आप पेपर कटर यूज करेंगे तो प्लीज आप कोई पुराना राइटिंग बोर्ड नीचे रख लीजिएगा, अदरवाइज आपका टेबल खराब हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है पेपर कटर से, ओके। सो इस तरह से कट करके हम शेप्स पेपर निकाल लेंगे और हमारी स्टेंसिल तैयार हो जाएगा। ये करने के बाद ही हम अपने एनवलप को बंद करेंगे, ओके। तो इस तरह ग्लू लगाएंगे और उसका सेकेंड हिस्सा जो है उसे हम उस पर पेस्ट करके इस एनवलप को तैयार करेंगे, ओके। अब निचले हिस्से पर भी हम फेविकोल लगाएंगे और उसे भी सील कर देंगे। तो इस तरह हमारा एनवलप रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। एक तरफ से हमें ओपन ही रखना है बिकॉज वहां से हमें इसके अंदर शीट्स डालनी है, ओके। अब हमारा एनवलप का जो साइज है उससे जरा सा छोटा हमें अंदर शीट्स डालना है। मैं इसके लिए वाइट शीट्स यूज कर रही हूँ, A4 साइज वाले, उन्हें मैंने हाफ कर लिया है और कट करके प्रिपेयर कर लेना है। आप अपने एनवलप का साइज जो रखेंगे उसके हिसाब से ही आप अंदर की शीट्स प्रिपेयर करेंगे। एनवलप से थोड़ा छोटा होना चाहिए शीट्स ताकि वो इजीली उसके अंदर डाला जा सके और निकाला जा सके, ओके। तो इस तरह शीट्स प्रिपेयर करने के बाद आप चाहे तो पेस्टल शीट्स भी यूज कर सकते हैं। आपको वन बाय वन, मैंने यहाँ पे 7 शीट्स यूज किए हैं, आपको वन बाय वन शीट्स को एनवलप के अंदर डालना है। उसके बाद पेंसिल से इस स्टेंसिल को ड्रॉ कर लेना है, व्हाइट शीट पर ट्रेस कर लेना है इन शेप्स को। हम सारे शीट्स पर इन्हें ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इनमें अपने पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, ओके। सेंटर वाला जो सर्कल है उसमें हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। जिस वर्ड के हम पर्यायवाची लिख रहे हैं उसको हम सेंटर वाले सर्कल में ड्रॉ करेंगे, और जो उसके बाहर जो पेटल्स मैंने बनाए हैं उनमें हम उनके पर्यायवाची नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, इस तरह से। उसके बाद हम सेंटर वाला जो पिक्चर है उसे कलर कर लेंगे और अपने हिसाब से आप इसे सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने कौन कौन से वर्ड तैयार किए हैं। फ्रेंड्स ये हमारे एनवलप का बाहरी हिस्सा है, इसे भी आप थोड़ा सजा सकते हैं अपने हिसाब से। आइए अब हम अपने शीट्स को इसके अंदर डालकर देखते हैं। ये हमारी पहली पिक्चर है, घर, बादल, पहाड़, रात, पृथ्वी और तालाब, सूरज। सो इस तरह फ्रेंड्स हमारा पर्यायवाची झरोखा का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। इसके बाद आप सारे शीट्स अंदर रखकर एनवलप को बंद करके सेफली भी रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।